डीसीपी प्रीति चंद्रा ने मीडिया के माध्यम से नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को चेतावनी दी है कि या तो वे ये काम छोड़ दें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये बात कुड़ी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। डीसीपी ने कुड़ी हाउसिंग बोर्ड थाना और देवनगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की सराहना की। पुलिस मुख्यालय से हमारे आदरणीय डीजीपी साहब की तरफ से समय समय पर जो निर्देश मिलते रहे हैं, और अभी क्योंकि रिसेंटली इस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है कि संगठित माफिया और जो अपराधी हैं इस तरह के, उन पे ज़िला स्तर पर अच्छी कार्रवाई की जाए, और इसी हिसाब से प्रत्येक ज़िले में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम्स के गठन के लिए भी एडीजी साहब, एटीएस और एसओजी की तरफ से डायरेक्शंस प्राप्त हुए थे। स्वयं एडीजी साहब, एसओजी ने भी प्रत्येक ज़िले में रेंज में जाकर के इस संबंध में एसपी से मीटिंग भी ली है, और उनको डायरेक्शंस भी दिए गए हैं कि इस प्रकार की जो बड़ी माफियागिरी और बड़े क्राइम्स हैं, संगठित क्राइम्स हैं, उनको लेकर के जिला पुलिस एफर्ट्स करे, प्रयास करे और कार्रवाई करे। जितने भी ड्रग सप्लायर्स, ड्रग पैडलर्स हैं, उनको मैं ये इस बारे में एक कड़ी चेतावनी देना चाहती हूँ कि या तो ये सब छोड़ दें, इस तरह का काम, नशाखोरी को फैलाना, युवाओं को बर्बाद करना, ये काम छोड़ दें, अन्यथा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बहुत जल्दी वो सलाखों के पीछे सभी होने वाले होंगे।